आज हम बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से चिकन। यहाँ मैंने 1 किलो से थोड़ा सा ज्यादा है चिकन ले लिया है, जिसे मैंने धो लिया है। अब करेंगे कुछ मसाले तैयार। मसाले के लिए मैंने ले लिए हैं 3 प्याज मीडियम साइज के हैं, 2 हरी मिर्च ले लिए, इनसे तीखापन तो मिलता ही है, फ्लेवर भी अच्छा आता है। साथ ही ले लिए कुछ कलियाँ लहसुन की और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। अब मैं इन्हें काट के दरदरा सा पीस लूंगी, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं हमने इसका बनाना है। और सबसे पहले मैंने इन्हें छीनकर धो भी लिया है। मैंने देखिए प्याज को और अदरक लहसुन हरी मिर्च को पीस लिया है, बहुत फाइन पेस्ट नहीं किया है, थोड़ा सा दरदरा रखा है, कोर्स रखा है। साथ ही मैंने ले लिया एक टमाटर, टमाटर का साइज बड़ा है तो मैंने एक ही लिया है, इसकी भी प्यूरी बना लूंगी और बाद में इसमें डालेंगे। तो बनाना स्टार्ट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं कुछ खड़े मसाले। तेज पत्ते ले लिए हैं 2 छोटे, थोड़ा सा जीरा, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, 3 लौंग, 2 इलायची जिन्हें मैंने खोल लिया है, हरी इलायची और 1 मोटी इलायची, काली इलायची जिसे हम कहते हैं, इसको भी मैंने थोड़ा सा खोल लिया है, और 4 से 5 दाने जो हैं काली मिर्च के लिए हैं। तो लगा लेते हैं तड़का। तो सबसे पहले हम तेल गरम करेंगे, लेंगे कढ़ाई और इसमें आप कोई भी जो भी ऑयल या घी आप इस्तेमाल करते हैं वो डाल सकते हैं। यहाँ मैं रिफाइंड ले रही हूँ। अपने मसाले के हिसाब से ऑयल लेंगे, अगर आप कम मसाला ले रहे हैं तो कम ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा उतना ऑयल लेना है जिसमें कि आप मसाले आसानी से भून सकें, और बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनेंगे तो कम तेल में भी आप इसे अच्छी तरह से भून पाएंगे। तेल गर्म होने लेने देंगे और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें ये खड़े मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे सारे खड़े मसाले और इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको जलाना नहीं है, और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें प्याज जो हमने पीस के रखा है। आप चाहें तो इसमें 2 प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने 3 डाले हैं क्योंकि मैं थोड़ी सी ग्रेवी की थिक थिक सी रखूंगी, लटपटी सी बनाऊंगी। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। यहाँ मैं देखिए इस तरह से 1 टीस्पून भर के डाल दे रही हूँ, और आधा 1.5 टीस्पून डाल दिया है, जरूरत होगी तो बाद में और डाल देंगे। अब हम इसमें मीडियम फ्लेम पे इसे भूनेंगे बीच बीच में हिलाते हुए। नमक डालने से प्याज जो है अपना पानी छोड़ेगा और वो कढ़ाई के साथ मसाला जो है हमारा लगेगा नहीं और बहुत आराम से भून जाएगा। आप चाहें तो इसमें हल्दी मिर्च वगैरह अपने हिसाब से डाल सकते हैं, या फिर बाज़ार में मिलने वाला चिकन मसाला जो होता है वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे आज चिकन मसाले का इस्तेमाल करूँगी। मसाले को तसल्ली से भूनना है, अच्छी तरह से भून जाए तभी हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे, देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाला भुन चुका है, थोड़ा और भुनेंगे हम इसे। तो अब हम डालेंगे इसमें मसाला, यहाँ मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ, आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब मैं इसमें चाहूँ तो कोई भी मसाला और एक्स्ट्रा ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और अगर आप चाहें तो आप डाल भी सकते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं, या इससे ज़्यादा तीखा करना है तो आप और मसाले डाल सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करूँगी इसमें, 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि हमें जो चिकन है या नॉन वेज है वो थोड़ा तीखा तीखा पसंद है। हालांकि हमने इसमें 2 हरी मिर्च भी डाली हैं, और इसको फिर से अच्छी तरह से भून लेंगे। मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ, इसे बहुत ही लाल लाल हो जाता है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। अब देखिए कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा लगने लग गया है, मसाला हमारा भून चुका है और इसमें ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है,
अभी हमने इसे और भूनना है। अब डाल देंगे हम इसमें टमाटर जो मैंने की उसकी प्योरी बना के रखी है, उसके साथ भी हमारा मसाला जो है और अच्छी तरह से भून जाएगा। और जो मसाला साथ लग रहा है वो भी लगना कट जाएगा। फ्लेम लो पे है मेरा, लेकिन गैस जो है वो काफ़ी हाई रहती है लो पे भी, तो जो सबसे स्लो जो हो, जब मीडियम हो उस पे आप बनाइए। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूंगी। बस अब लो से मीडियम फ्लेम पे हम दोबारा इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। बहुत ही आसान तरीका है चिकन बनाने का और बिल्कुल देसी स्टाइल में। अब इसे भून लेने देते हैं और ढकेंगे नहीं, खुले में ही इसे भूनेंगे। अब देखिए मसाले में जो है ऑयल छोड़ दिया है और अच्छी तरह से भून गया है मसाला। ये देखिए साइडों में ऑयल आ गया है। इसका कलर भी बहुत अच्छा हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन और मसाले के साथ अच्छी तरह से कर देंगे इसे मिक्स। अब मसाले इसमें अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढककर पकाएंगे और बीच बीच में हिलाते रहेंगे। अब देखिए चिकन ने पानी छोड़ दिया है, अब इसी पानी में हम इसे पकाएंगे। अगर आप इसे रसे वाला बनाना चाहते हैं, तरी वाला बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं जब चिकन पक जाए उसके बाद। और मैं इसे बिल्कुल इसी तरह से बनाऊंगी लटपटा सा, इसलिए मैंने थोड़े से प्याज ज़्यादा डाले थे ताकि इसमें मसाला जो है थोड़ा अच्छा बन जाए और मैं इसे ग्रेवी वाला नहीं बना रही हूँ। तो अभी हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे इसी ग्रेवी इसी पानी में जो कि चिकन से ही निकला है। एक्स्ट्रा कोई भी पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। बीच बीच में हिलाते हुए हम इसे पका लेंगे। अब देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया है और बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, कलर भी बहुत अच्छा हो गया है। तो है ना कितना आसानी से बनाना, आप भी एक बार ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा इसका टेस्ट। गैस कर देते हैं बंद। अगर आप इसको ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे जितनी ग्रेवी आपने बनानी है उतना पानी डाल के इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लें। गरम मसाला, हरा धनिया वगैरह डाल के आप इसको सर्व करें। मैं हरा धनिया डालना भूल गई और अब मैं डाल भी नहीं रही हूँ क्योंकि अब हम इसे खाएंगे। तो ये देखिए लाजवाब सा हमारा चिकन बनके तैयार है, बहुत ही आसान है बनाना। आप भी ट्राई करिए और इसे घर पे बना के देखिए, बहुत ही आसान है। और जैसे कि मैंने बाजार के मसालों का इस्तेमाल किया है, कोई मसालों के बारे में आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। तो चलिए जल्दी मिलती हूँ अपने और किसी रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।